हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बजाज फिनसर्वे का लॉगिन प्रोसेस बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोज़ इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं पहले गूगल क्रोम में जाऊँगा और गूगल क्रोम में जाकर आपको पहले अपने मोबाइल का मोड डेस्कटॉप मोड कर लेना है यहाँ से। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल मोड जाकर डेस्कटॉप मोड आ चुका है, और यहाँ से आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। आप जो है इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको मोर पर जाकर वीएफ स्कीम सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको डीलर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको मॉडल नेम डालना है, फॉर एग्जांपल F19 Pro, जिसकी प्राइस 25,990 है। और यहाँ से आपको इनवाइस प्राइस डालना है एंड ऐड टू कार्ड पर सेलेक्ट करना है। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से स्कीम्स टाइप है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, मैन्युफैक्चरर टाइप, स्कीम जो अवेलेबल है न्यू कस्टमर के लिए 13x3, 18x6, 15x5। यहाँ पर आपको वो सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, DP 0, EMI 3 to 4 9, Margin 0, PF 0, MBD 0, DBD 460, लोन अमाउंट 25,990। ये कार्ड कस्टमर के लिए, और न्यू कस्टमर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 13x3 स्कीम का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कस्टमर का स्कीम डाउन पेमेंट जो है 6,000, EMI 2,000, Margin 0, Processing Fee 0, MBD 0, DBD 460, लोन अमाउंट 25,990। तो गाइस, मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह कस्टमर को स्कीम समझाना है। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्वे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन चार्ट, यहाँ से आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस जो है 25,990 है। मैंने कस्टमर को स्कीम बताया 13x3, DBT जो कुछ है 1.77, Processing Charge 0 है। और यहाँ पर आपको नए कस्टमर के लिए इंश्योरेंस ऐड करना है, और बजाज कार्ड जो 450 है और 200 ऐड ऑन, ये सभी ऐड करके आपको स्कीम बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन पेमेंट जो है 7,108 रुपीज़ एंड इंस्टॉलमेंट 2,089 फॉर 10 मंथ्स। तो इस तरह आपको स्कीम बताना है। स्कीम बताने के बाद आपको सर्च में जाना है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट डीलर चूज़ करना है, और यहाँ से आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, और सर्च पर क्लिक करना है। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर पर जो है कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो प्रोसीड टू कार्ड करें। यहाँ पर आने के बाद, इस पेज पर आने के बाद यहाँ से आपको जाना है ऐड एसेट, और यहाँ से आपको एसेट ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल F19 Pro 25,990, और यहाँ से आपको इनवॉइस अमाउंट डालना है एंड ग्रॉस लोन अमाउंट, और यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ड करने के बाद सीधा आपको एसेट कार्ड में आना है, और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी शो अप होगा, एंड नेक्स्ट प्रोसेस है। यहाँ से आपको CKYC करना है। पहला CKYC में जाकर यहाँ से आपको कस्टमर के पास कौन सा प्रूफ ऑफ आईडी अवेलेबल है,
उसको चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, और यहाँ से आपको पैन कार्ड नंबर डालना है अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो, या फिर आधार कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको नंबर कोई भी नहीं डालना है। पहला मैं आपको पैन कार्ड का प्रोसेस बताता हूँ। पैन कार्ड का नंबर डालकर यहाँ से आपको नॉन पर सिलेक्ट करके इनिशिएट CKYC पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर के पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ से आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, और कस्टमर डजंट हैव वन ऑफ द लिस्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप्स सेलेक्ट करके सेव बाईपास रीजन पर क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट वन है OTP एग्रीमेंट, यहाँ से आपको जनरेट OTP करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरेट OTP, इस पर क्लिक करने के बाद कस्टमर को OTP और लिंक जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आपको OTP सबमिट करना पड़ता है। OTP सबमिट करने के बाद आपको डाटा एंट्री में आना है, और यहाँ से आपको एड्रेस लाइन डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पर डाला है एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, एरिया लोकेलिटी, लैंडमार्क, जिप कोड, BFL ब्रांच, स्टेट वगैरह। एंड नेक्स्ट जाना है प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ से आपको कस्टमर के पास अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड डालना है, और यहाँ से आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको प्रोसेस टाइप वाओ लाइट सेलेक्ट करना है, एंड क्रेडिट प्रोग्राम 1.02 डायरेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट वन है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ से आपको कस्टमर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, रेजिडेंसी टाइप, एज, प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस, और यहाँ से आपको अदर डिटेल्स भी फिल करना है, यानी कस्टमर क्या काम करता है। अगर वो कुछ कंपनी में काम करता है तो यहाँ से आप उन कंपनीज के नाम भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपको डाटा एंट्री स्टेटस पे जाके कंप्लीटेड कर मार सेलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लोन अप्रूवल हुआ है या नहीं। मैं आगे का प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। हाँ तो दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।